है एवरीवन, दिस इज अमन हियर एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 360। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लक्ष्मीकांत की बुक जो है पॉलिटी की, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो कि सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ सेकुलर स्टेट, 11th नंबर पर ये लिखा हुआ है सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में। तो यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपको रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो टॉपिक पर जाने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर द सेकुलर स्टेट, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर स्टेट के बारे में बताता है। यानी हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को हमने अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया है। कुछ ऐसे विशेषताएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बताती हैं कि हमारा जो देश है वो एक सेकुलर कंट्री है। उन विशेषताओं को, उन फीचर्स को हम देख लेते हैं। जो सेकुलर टर्म हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है। ये आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू जब बनता है तो वहाँ पर मिलान करने वाले में या फिर आपको एमसीक्यू फॉर्म में ये दे सकता है। ठीक है, प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी टू ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो उनको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो सिटीजन्स को ये लिबर्टी देता है कि किसी भी रिलीजन को वो बिलीव कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, उसको आप वर्शिप कर सकते हैं। जो स्टेट है किसी भी सिटीजन को, किसी भी पर्सन को, सिटीजन की बात नहीं है, कोई भी फॉरेनर हो चाहे सिटीजन हो, किसी को भी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 14 में आता है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, इससे पहले मैं फीचर्स में बता चुका हूँ ये चीज, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी जो रूल्स हमारे कंट्रीज़ में हैं उसके लिए सबको ही बराबर है। तो आर्टिकल 14 में जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। हमारा जो स्टेट है किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन के आधार पर हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। यानी स्टेट किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटीजन को ग्राउंड ऑफ रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 15 में मेंशन है। यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 मेंशन है, जिसमें यह बोला गया है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जब बात आएगी तो वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी प्रत्येक सिटीजन को। हमारे सभी सिटीजन को ये इक्वली ये फ्रीडम दी गई है कि वो किसी भी धर्म को फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। यह हमारे आर्टिकल 25 में मेंशन है। सभी रिलीजियस जो डिनोमिनेशन हैं, प्रत्येक सेक्शन के जो रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं, उनके पास यह राइट है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। यह हमारे आर्टिकल 26 में मेंशन है। यह हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार के टैक्स को पे करने के लिए कंपेल्ड नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए, वो उसको कोई किसी भी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 27 में मेंशन है। किसी भी स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा किसी भी प्रकार का जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है, वो नहीं दिया जा सकता है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि अंडर स्टेट मेंटेन हो रहा है, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 28 में मेंशन है। एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन, किसी भी सेक्शन का सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को वो कंजर्व कर सकता है। ये हमारे आर्टिकल नंबर 29 में मेंशन है। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर च्वाइस। यानी किसी भी जो माइनॉरिटीज़ है, कोई भी माइनॉरिटी है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर कर सकता है, यानी उसके प्रशासनिक काम को देख सकता है, और इसको कोई भी उसका अधिकार ये छीन नहीं सकता। ये आर्टिकल नंबर 30 में ये मेंशन है। हमारा जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट है, वो ये प्रयत्न कर सकता है कि प्रत्येक सिटीजन को यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान किया जाए, मतलब सभी धर्मों के लिए एक ही नियम होगा। ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में मेंशन है। अगर हम पश्चिमी प्रदेशों को अगर देखें, वेस्टर्न अगर कॉन्सेप्ट को अगर देखें,
तो सेकुलरिज्म को इस तरह बताया जाता है कि वहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन होता है बिटवीन द रिलीजियस एंड स्टेट, ठीक है। चर्च का काम अलग होगा और जो पॉलिटिक्स का काम होगा वो अलग लोग देखेंगे, दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। और इसको यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है, जबकि हमारे इंडिया में जो है वो निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो कंट्री है वहाँ मल्टी रिलीजियस है, मतलब डाइवर्सिटी हमारे देश की काफ़ी ज़्यादा है। सॉरी, ऊपर मैंने जो बोला वो निगेटिव कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है वो निगेटिव कॉन्सेप्ट है, मैंने गलती से मेरे मुँह से निकल गया, वो निगेटिव कॉन्सेप्ट वो है, और जो हमारे यहाँ जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से निगेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, प्रत्येक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है और प्रत्येक रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे ब्रिटिश रूल के द्वारा प्राप्त किया गया था उसको अबॉलिश कर दिया है, जैसा कि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, या फिर जो लक्ष्मीकांत के शुरुआत में हिस्टोरिकल वाला चैप्टर है उसमें मैंने बताया था कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रदान किया गया था अलग अलग जो चार्टर एक्ट के थ्रू, यहाँ पर 1935 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रदान किया गया था, तो उसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अबॉलिश कर दिया गया है। इसमें ये कुछ प्रावधान था कि जो रिजर्वेशन है वो रिलीजियस आधार पर लेजिस्लेचर में दिया जाता था, लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स यहाँ पर रिलीजियस आधार पर यहाँ पर बांटी जाती थी। लेकिन अभी भी जो टेम्परेरी रिजर्वेशन है वो SC और ST को प्रदान किया जाता है, क्योंकि उनका एडिकेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता रहे। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो को अगर पूरा देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सलाह हो आपकी तरफ से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, क्योंकि जो वॉच टाइम आता है वो काफ़ी कम आता है, तो कम ही देर तक लोग देखते हैं, तो बड़ा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैं वीडियो की लेंथ छोटी ही रख रहा हूँ। जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़ जाएंगे तो उसके बाद वीडियो की लेंथ मैं बड़ी कर दूँगा। थैंक यू।